आज का हमारा रेशियो के चैप्टर में टॉपिक है बी, सेकंड वाली। फर्स्ट रेशियो हमने कर ली, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो। आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो। जो हमने पहले की थी पिछली क्लास में, वो भी सेम सॉल्वेंसी रेशियो ही थी। सॉल्वेंसी उसमें थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, इसका नाम है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो मींस कि हम फर्म्स की एबिलिटी चेक करेंगे, फर्म की एबिलिटी चेक करेंगे, क्या फर्म लॉन्ग टर्म में अपने सभी डेब्ट, डेब्ट मींस कहीं से लोन ले रखा हो, डिवेंचर्स हो, उन्हें पे करने की कैपेसिटी में है या नहीं है, मींस क्या कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए जो हमारी रेशियोज होती है वो है बेसिकली हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज है हमारी, इसमें आपको चार रेशियोज पढ़नी है। सॉल्वेंसी रेशियोज में आपको टोटल चार रेशियोज पढ़नी है। नंबर वन, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नंबर टू, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। नंबर थ्री, प्रोप्रायटी रेशियो। और लास्ट नंबर चार, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो स्टूडेंट, जो हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है, नेक्स्ट रेशियो, उसमें हमारे टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड है। वो डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्रायटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेसिकली इसमें जो चीज आपको पहले पिछली क्लास में सिखाई थी उनका बहुत वही चीज यूज होने वाली है। मैं इनके फॉर्मूले लिखवाता हूँ। ये तीन रेशियो तो सेम है। इन तीन रेशियो में आपको सिर्फ तीन चीज यूज करनी है, डेब्ट, इक्विटी और टोटल एसेट्स। पहले तीन रेशियो में सिर्फ तीन चीजें यूज करनी है। एक तो इसमें आपको कौन सी चीज चाहिए, डेब्ट। दूसरा आपको क्या चाहिए इसमें, इक्विटी। और तीसरा आपको चाहिए टोटल एसेट्स। पहले तीन रेशियो से निकल जाएंगे। हमारे फॉर्मूले क्या हैं इन पहले तीन रेशियो के? सबसे पहले का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी, या फिर इसको आप बोल सकते हो डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अपॉन में इक्विटी किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट मतलब हमारी जो भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स थी, मींस नॉन करंट, जो भी हमारी क्या थी, नॉन करंट लायबिलिटीज थी। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल ऑफ एसेट्स अपॉन में डेब्ट, और प्रोप्रायटी रेशियो का फॉर्मूला है आपका इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। एक चीज आप इन तीनों फॉर्मूलों में देख सकते हो कॉमन, डेब्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट की इसमें भी जरूरत थी, इसमें भी जरूरत थी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो इन तीन रेशियो के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें ही निकालनी आनी चाहिए। डेब्ट इक्विटी के लिए डेब्ट और इक्विटी का पता होना चाहिए। ये चीज आपने बिजनेस में भी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर जो हमारा 9 था उसमें, फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से, फाइनेंशियल लिवरेज में डी अपॉन ई करके आपकी वो सिखाई थी। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट, प्रोप्रायटी रेशियो में इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। अब बचती है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इन सभी का आंसर आपका प्योर रेशियो में निकलेगा। जितनी भी हमारी तीनों हैं, इन तीनों का आंसर प्योर रेशियो मींस जो भी आपका आंसर आएगा रेशियो वन, जो भी आपका आंसर आएगा रेशियो
वन। अब इसके लिए मेन इसमें आपको सीखना क्या है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट डेट, हाउ कैन वी फाइंड आउट इक्विटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं मैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हमने बिजनेस स्टडीज में ईबीआईटी के नाम से पढ़ा था, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, और इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा टाइम्स, इसका आंसर जो आना है वो आपका किसमें आना है, टाइम्स में। तो एक बार ओवरऑल एक बार फिर बता दूं मैं स्टूडेंट्स, आज हमारी चल रही है सेकंड रेशियो। सेकंड मींस सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी बेसिकली क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा है सोल्वेंट। सोल्वेंट क्या होता है, मतलब वो पर्सन जो कैपेबल होता है कि अपनी सभी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है। तो सोल्वेंसी रेशियो में हम चार रेशियोज को काउंट करते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर मैं बिल्कुल सिंपल टू सिंपल वर्ड्स में बताऊं इनमें, तो सोल्वेंसी चेक कैसे करते हैं भाई, लाइबिलिटी देनी है, लाइबिलिटी कैसे देंगे हम, एसेट से, और जो पैसे बिजनेस में लगते हैं, बिजनेस में जो पैसा लगता है ना, एक तो आपने 11th में पढ़ा है दो सोर्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। तो ये वही है बेटा, इक्विटी तो है ओनर्स फंड और डेप्ट है बोरोड फंड जो बोरो कर रखा है, तो इनका रिलेशन दिखाएंगे, और फिर उसके बाद हमें दिखाना है इनका रिलेशन कि हमारी जो एसेट्स हैं, जो बिजनेस में हमने एसेट्स क्रिएट कर रखी हैं, वो एसेट्स डेप्ट के कितने कंपैरिजन में कितनी है और इक्विटी के साथ कितनी है, मतलब तीन चीजों का रिलेशन बताना है। बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आया, या तो खुद ओनर ने लगाया वो तो है इक्विटी, या फिर उसको बोरो किया गया वो है डेप्ट, और उसी पैसे से बिजनेस की एसेट्स क्रिएट हो गई। अब वो एसेट्स में इक्विटी का पैसा भी लगा हुआ है, डेप्ट का भी, तो उन चीजों को रेशियो की वे में शो करती है ये पहली तीन रेशियोस, डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, प्रॉपर्टी रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बताते, देखो नाम ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि अगर हम जो हमारी ये डेप्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, इन पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, भाई डिबेंचर है उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक लोन ले रखा है उस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम उस इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर रहे हैं। मतलब अगर मान के चलो मेरी इनकम है 1,00,000 रुपए, मेरी इनकम है 1,00,000 रुपए और मुझे किसी को इंटरेस्ट देना पड़ता है 20,000 रुपए हर साल, साल की इनकम 1,00,000 और मुझे जो फिक्स इंटरेस्ट देना है वो देना है 20,000, तो इसका मतलब इनकम अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, 1,00,000 को 20,000 से डिवाइड कर दो, दैट मींस मैं अपना इंटरेस्ट 5 times कवर कर पा रहा हूं, कि 5 बार मेरे पास इतना प्रॉफिट है कि मैं 5 बार भी इंटरेस्ट दे सकता हूं। तो ये चीज स्टूडेंट्स हमको आज चेक करनी है सोल्वेंसी रेशियोज में, आज वाली जो हमारी मेन रेशियो है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन या तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने कहेंगे, या फिर जैसे आपने पढ़े थे कि भाई हमारी डेट इक्विटी रेशियो इतनी है, उसके बाद ये इफेक्ट से हमारी रेशियो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस टाइप से, और इसको मिलाकर टोटल हमारे जो क्वेश्चंस हैं 39 to 64, जो हमारे इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं बेसिकली 39 to 64, ये आपके क्वेश्चन किसी रेशियोज के, 39 से 64 कुछ डेप्ट इक्विटी के हैं, कुछ टोटल एसेट्स के हैं, कुछ प्रॉपर्टी के, कुछ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 39 इलस्ट्रेशन से 64 इलस्ट्रेशन हमारी सोल्वेंसी रेशियो है। फॉर्मूले से रिलेटेड किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला ना समझ में आया हो, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये फोर्थ वाला बता दो एक बार। फोर्थ वाला बेटा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब जो हमारी बोरोविंग्स हैं उस पे हमारा इंटरेस्ट जो है उसको हम कितने टाइम्स कवर कर रहे हैं। इसके लिए दो चीजों की आपको जरूरत होगी, एक तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जरूरत है, कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है
अब उसके बाद क्या है, उसमें से जो प्रॉफिट होता है, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सीखी थी बेटा, उसमें जो प्रॉफिट आता है बिल्कुल लास्ट में, उसके जो लास्ट में प्रॉफिट आता था वो तो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहले उसमें टैक्स को ऐड कर दो वापस, और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है वो भी ऐड कर दो। तो बाद में हमारा जो भी प्रॉफिट है उसे हम आप हमारा जो भी हमने इंटरेस्ट देना होता है, ये क्वेश्चन से हमें कंटेंट बताएगा, क्वेश्चन के कंटेंट से हमें क्लियर हो जाता है, उसके हिसाब से हम उसमें निकाल लेते हैं कि हम कितने टाइम्स हमारा इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन बेटे मैं पहले करा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज नंबर को क्या हो, सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही क्वेश्चन करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आप आ जाओ पेज नंबर 4.39, पेज नंबर 4.39 का है। पेज नंबर 4.3 पे इलस्ट्रेशन नंबर 63, इलस्ट्रेशन नंबर 63 में गिवन है आपको, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज। तो इसने में क्या क्या गिवन कर रखा है, एनपी, एनपी कौन सा है हमारा, ये एनपी है आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स हमारा एनपी है 120,000 रुपए, और उसके बाद हमें दे रखी है 12% लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लाइबिलिटी है, और ये दे रखी है हमें 20,00,000 रुपए की, और टैक्स की रेट दे रखी है हमें 40%। तो इसमें स्टूडेंट हमें प्रॉफिट दे रखा है कि हमने 120,000 का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है आफ्टर टैक्स। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सातवें नंबर पे निकलता था आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें से टैक्स भी डिडक्टेड है, और टैक्स डिडक्टेड है तो इंटरेस्ट तो है ही डिडक्टेड। पहली बात तो इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है आपको, इंटरेस्ट आप अपना निकालो इसमें कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, बीस लाख का 12% $240,000 आपका इंटरेस्ट आ गया, और जो प्रॉफिट है टैक्स रेट है 40, टैक्स रेट कितनी है बेटा 40, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बचा है वो 60%। तो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मुझे क्या करना है, 120,000 इंटू 100 अपॉन में 60, 120,000 इंटू 100 अपॉन में 60, अपॉन 60 का मतलब है अगर 40% टैक्स है तो हमारा जो आफ्टर टैक्स कितना बचा हुआ है 60%, तो ये करके हमारा आ जाएगा 200,000 रुपए। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 200,000 रुपए, और इंटरेस्ट है 240,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अगर मैं बात करूं तो 200,000 प्लस में 240,000, 440,000 कितना आ गया मेरा, वो 440,000, 440,000। और अब हमें फॉर्मूले में क्या प्रूफ करना है, सिंपल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 440,000 अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स इंटरेस्ट कितना देना है कंपनी 240,000। इसमें अपना क्या कहते हैं, इसको फिर डिवाइड कर देंगे 1.83 टाइम्स, हम कितना इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं 1.83 टाइम्स हम अपना इंटरेस्ट जो है वो कवर कर। अब बता बेटा डाउट क्लियर, यस सर। ये तो था बेटा हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, उसमें हमारा जो क्या कहते हैं
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैसे करते हैं। इसके बाद जो मैं बताया था आपको, जो तीन फॉर्मूले में आपको जो थी दोबारा से बार बार एक चीज सिखाई थी, वो बार बार मैं आज फिर सिखा रहा हूं कि आपको शुरू से बिल्कुल पिछले चैप्टर में भी सिखाई थी मैंने कि हमारी बेटे दो साइड होती है बैलेंस शीट में। एक तो होती है हमारी साइड कौन सी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एक साइड होती है हमारी एसेट्स। दो साइड होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट्स। इक्विटी और लाइबिलिटी तीन चीजों से मिलकर बनी है, इक्विटी जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या जिसको नॉन करंट बोलते हैं, प्लस करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ही डेब्ट बोला जाता है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन गई मेरी कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बन गई टोटल डेट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बोलते हैं खाली डेट, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगी टोटल डेट। एसेट्स में दो चीज होती हैं आपकी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और एक चीज आपको बता दूं पहले से ही, टोटल ऑफ एसेट्स इज एग्जैक्ट इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी। एसेट टू लाइबिलिटी का आपको पता है टोटल सेम होता है। अब इसमें दो एक रिलेशन और भी है इन दोनों के बीच का, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, जिसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। अब आपका एक फॉर्मूला और भी बनता है हमारा कि अगर हम टोटल एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दें, अगर हम टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दें तो वी कैन ऑल्सो फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला हो रहा है टोटल एसेट्स या लाइबिलिटी माइनस वर्किंग कैपिटल। अब ये आपको सारे फॉर्मूले, क्योंकि जो पहले तीन रेशो में तीन चीजों की जरूरत है, एसेट्स के टोटल की, इक्विटी की और डेट की, जो इस जो टेबल चार्ट आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है इसी चार्ट में से घुमा फिरा के सारी चीजें आपको बनानी है, निकालनी है, ढूंढनी है। सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर बेस है। और वैसे हर एक चीज कि भाई शेयर होल्डर फंड में इंडिविजुअली क्या क्या आता है, फर्स्ट चैप्टर में जाओ, बुक में फॉर्मेट पढ़ो, यू विल गेट कि क्या क्या चीज इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आती है, क्या क्या चीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आती है, क्या क्या करंट लाइबिलिटी में आती है, क्या नॉन करंट एसेट्स में आता है, क्या करंट एसेट्स में, और इनके रिलेशन को, मतलब सारा का सारा चैप्टर जो बेस्ड है वो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अलग था उसको निकाल के दिखा दिया। अब इसमें ये टेबल आपको अगर बिल्कुल सेट रहेगी माइंड में तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज ही हो, बार बार जितनी बार भी कोशिश करोगे कंफ्यूज होगी। इससे पहले कंपोजिशन इनका जो है वो आपको आना चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन में हर एक का करवा देता हूँ आपको। 39 इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 39 मैं ये एज इट इज लिखी हुई है, इसमें से बता दूंगा कैसे आपको निकालना है उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 39 में आपको दे रखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, हमें क्या क्या गिवन कर रखा है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो स्टूडेंट इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को छोड़ दो, वो करंट लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी,
और डिवेंचर्स को और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को आप टोटल कर लोगे 1,00,000 रुपए, वो आ जाएगा आपका डेट। डेट को इक्विटी से डिवाइड कर दो, 1,00,000 को 1,75,000 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 0.57:1। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब अगले क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दे दी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें क्या दिया है हमें टोटल ऑफ एसेट्स, और साथ में हमें दे दिया टोटल ऑफ डेट। टोटल ऑफ डेट का मतलब इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब टोटल ऑफ डेट दे दिया, टोटल ऑफ एसेट्स दे दी, अब टोटल ऑफ डेट में से करंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा डेट, क्या मिल जाएगा आपको डेट, ठीक है। और उसके बाद एक काम तो ये कर दोगे आप, और उसके बाद आप क्या करना है, इस टोटल ऑफ एसेट्स जो है, टोटल ऑफ एसेट्स है वो किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटी के इक्वल होता है, जितने की एसेट्स होती है उतनी लाइबिलिटी होती है, उसमें से टोटल डेट को माइनस कर दो, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इक्विटी। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करोगे मिल जाएगा डेट, टोटल एसेट्स में से पूरे टोटल डेट को माइनस करोगे मिल जाएगा इक्विटी। मतलब 1,25,000 में से पहले तो माइनस करो 1,25,000 आपकी आ गई इक्विटी, और 1,00,000 टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी 50,000 माइनस करो, 50,000 आपके आ जाएंगे डेट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगले वाले में से, अगले वाले में भी सेम है, पेज नंबर 4.30, पेज नंबर 4.30 पे इलस्ट्रेशन नंबर 47, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, हमें इसमें निकालनी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसमें मैं लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं, मतलब जो एक्चुअल डेट होता है, और टोटल एसेट दोनों गिवन कर रखी है। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, 24,00,000 को 16,00,000 से डिवाइड कर दो, योर आंसर विल बी 1.5:1। 48 इलस्ट्रेशन देख लो, इसमें आपको शेयर होल्डर फंड इक्विटी दे रखा है, टोटल डेट मतलब इन दोनों को मिलाकर दे रखा है 18,00,000, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 2,00,000, ठीक है। पहली बात तो आपको बता दूं, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड कर लो, यू विल गेट टोटल एसेट्स, टोटल आ जाएगा हमारे पास। और दूसरा डेट के लिए टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, डेट के लिए टोटल लाइबिलिटी में से किसको, करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो। तो इसके हिसाब से सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जो आपका आज का होमवर्क बनेगा वो 39-64 है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी है। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। प्रोपर्टी रेशियो भी सेम है, प्रोपर्टी रेशियो में हमें क्या यूज करना है, डेट इक्विटी टोटल एसेट्स, इस टेबल से जो मैंने बता रखा है इसके बाहर कुछ भी, सारा का सारा जो है वो इसी के अंदर आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो, बाकी क्लास का जो टाइम रह गया बिल्कुल लेस देन 1 मिनट, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकती है, कोई डाउट है तो बता दो, मैं इसको दोबारा से रिज्वाइन करा दूंगा क्लास में।